खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। ज़ियामत ए इस्लामी हिंद के 75वें वर्षगांठ पर प्रेस वार्ता का आयोजन। वर्ष 1948 में इस्लामाबाद में स्थापित ज़ियामत ए इस्लामी हिंद का उद्देश्य ईश्वरीय मार्गदर्शन व उनके आदेशों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। यह कभी भी ऐसे तरीकों को नहीं अपनाती जो सच्चाई व ईमानदारी के विरुद्ध है। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि सह इस्लामी एकेडमी नई दिल्ली के चेयरमैन व जमायत ए इस्लामी हिंद के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर हसन रजा ने लोसिंगना स्थित अल मनार लाइब्रेरी में हजारीबाग इकाई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने आगे कहा कि जमायत ए इस्लामी हिंद अपने कार्यों के माध्यम से लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण, चरित्र व नैतिकता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। इसका मकसद हर तरह के शोषण, सामाजिक भेदभाव, जुर्म को समाप्त कर एक ऐसे समाज का नव निर्माण करना है जहां अमन व शांति व मुल्क की उन्नति हो। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जफर अताउल्लाह सादिक ने बताया कि जमाते इस्लामी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने मीडिया की महती भूमिका को बताते हुए कहा कि कलम लिखने की ताकत रखता है। समाज की बेहतरी के लिए मीडिया में नैतिक मूल्यों का विकास अहम है। गलत चीजों के प्रचार प्रसार से मीडिया को सदैव बचना चाहिए। प्रेस वार्ता में मंच संचालक शाहिद जमाल, सबाहत हुसैन, प्रोफेसर रिजवान अहमद, मतीन अंजुम, एजाज अहमद, इरफान, मौलाना नसरुद्दीन, मुस्तफा खैरुल अहमद आदि मौजूद थे। हजारीबाग से आरिफ खान की रिपोर्ट। जो हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि हर इंसान के अंदर एक नैतिकता का एहसास मौजूद है। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो नैतिक फीलिंग से बाहर हो। समाज के हालात की वजह से वो दब जाते हैं। ईश्वरीय जो वाणी है और मज़हब जो है दुनिया में, उसी को जिंदा करने के लिए आता है। तो जब हम कहते हैं कि समाज को नैतिक मूल्यों से विभूषित किया जाए तो उसका साफ अर्थ ये होता है कि हर इंसान के अंदर जो एक नैतिकता का एहसास है उसको जगाया जाए। बेदार आज का जो बुनियादी मुद्दा है वो ये कि जमात इस्लामी ने शुरू से हिंदुस्तान में कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ जद्दोजहद की। ये हमारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज़ादी के बाद ये है कि इस मुल्क में जिसमें मुख्तलिफ धर्म, जबान, नस्ल, रंग के लोग रहते हैं, एक डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो चैलेंज है और जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ उसको निभाना है, आज मेजोरिटेरियनिज्म का और मेजोरिटेरियन इम्पल्स का शिकार हो गया है। ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान के समाज को और देश को कंस्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, उसकी बुनियादों पर ठीक ठीक चलाया जाए और एक नया वातावरण इस तरफ पैदा किया जाए। आपने जो बात कहा के अंदर है, वो चाहती है कि मुस्लिम समाज ठीक इस्लामी आदर्शों के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करे। दूसरा, हिंदू समाज के साथ हम कहते हैं कि जब लोग इस देश में मिलजुल के रहते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे के धर्मों के बारे में ठीक ठीक जानना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग और अफवाहें नहीं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।